हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग मिस्टर एंड मिसेस परमार। तो हम रेडी हो चुके हैं और अभी मेरे बजे घड़ी के 10:30 और हम जा रहे हैं मूवी देखने। बिकॉज हमने अचानक से प्लान बनाया कि हम फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे, तो हमने खाना वाना खा लिया था तो हम निकल गए हैं मूवी देखने के लिए। सूरज परमार और वो लोग पीछे से आ रहे हैं, हम आगे चले गए हैं। और यहाँ पे मिस्टर परमार को मैंने बोला मेरा शूट कर दो, तो मिस्टर परमार मेरा शूट कर रहे थे। तो हम सीधा पहुँच गए मॉल के अंदर और हम गए थे फिनिक्स के यहाँ पे मूवी देखने। फाइटर मूवी देखनी थी हमको, तो वही गए थे। तो मैं बस यहाँ पे शूट करी थी, मैं और मिस्टर परमार जहाँ जाए शूट नगर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना मिस्टर परमार। हाँ तो बस यहीं पर शूट कर रहे थे हम। हम पहुंच गए थे मॉल पे और बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लग गए मिस्टर और मिसेस परमार शूट करने के लिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे बिकॉज सूरज और प्रवीण आने वाले थे, तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे मॉल को। बिकॉज ऑलमोस्ट 10:15 तो हो ही चुका था और 10:30 की हमारी मूवी थी, तो हम फाइटर मूवी देखने जा रहे थे। तो फिर बस हम मॉल में पहुँच गए। हाँ, चलते 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 पहुंच गए चलते ऊपर। हाँ चलते चलते पहुंच गए मॉल के, मतलब अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पे बस वो जो बाहर का हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था, फिर हम एक्सीलेटर से अंदर ऊपर जा रहे थे ना, तो यहाँ से हम लोग अभी ऊपर जा रहे थे। तो बस वेट कर रहे थे, वो लोग शायद उधर से आ चुके थे या आने वाले थे, हम पहले ही पहुंच चुके थे क्योंकि हम घर से चल के गए थे और वो स्कूटी से आ रहे थे। तो देखो अभी यहाँ पे आ गए सूरज परमार, ये देखो स्टाइल मारते हुए, और ये प्रवीण परमार जो बिल्कुल भाव नहीं देते मेरे को, चले जा रहे। मैं शूट कर रही थी तो मैंने फिर इनका शूट ही किया, फिर इनके ही शूट करने बोला, अंदर जा रहे थे तो मैंने इनका शूट किया। फिर हम आ गए थे थिएटर थिएटर पीवीआर के अंदर, सॉरी। तो ये है हमारे स्मार्टी बॉय और एक और दूसरे स्मार्टी बॉय आ गए हैं जो बिल्कुल भाव नहीं दे रहे मुझे। तो ये देखो तीनों भाई, और मैंने बोला ये तीनों भाई का मैं शूट करती हूँ। तो देखो कैसे लग रहे तीनों भाई, प्रवीण परमार, सूरज परमार और निर्मल परमार। तो हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली थी अभी, पर हम थोड़ा वेट कर रहे थे। तो बस मैंने फिर वॉशरूम में शूट न करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने जाके थोड़ा बहुत वॉशरूम के अंदर शूट किया। फिर ये देखो यहाँ पे हो रही थी शाहरुख खान बोल रही हूँ, ऋतिक की एंट्री, और क्या भारी एंट्री थी ना। और फाइटर मूवी यार बेस्ट मूवी है। आपको कैसी लगी थी मिस्टर परमार? बहुत अच्छी है ना। तो फिर फाइनली मूवी देखी हमने, एंजॉय किया। फिर रात के बज रहे थे, डेढ़ बज रहे थे और हम पीवीआर से बाहर निकल रहे थे, मूवी ख़त्म हो चुकी थी। तो हम जा रहे थे, पूरा मॉल खाली था, सब आजू बाजू में शॉप ऐसे ही बंद की हुई थी। हम सोच रहे थे अंदर चले जाए क्या, पर नहीं, पूरा खाली था वहाँ पे। और हम बस घर जाने वाले थे, अभी घर ही जा रहे थे नीचे चल चल के। तो बस वही हम मूवी भी ख़त्म होगी, हमको तो बहुत अच्छी लगी मूवी। और ये दोनों भाई आ गए और फिर मैंने मिस्टर परमार को बोला मेरा भी थोड़ा शूट कर लो भाई चलते हुए, मेरा भी तो शूट बनता ही है ना। तो बस थोड़ा बहुत शूट किया हमने और फिर हम घर आए। रात के 2 बज चुके थे और हम सबको भूख लगी थी, तो हमने सोचा चलो उड़स बनाते। तो मिस्टर परमार मेरी हेल्प कर रहे थे उड़स बनाने के लिए, मैंने कितना फोर्स किया था, मिस्टर परमार ने मुझे हेल्प करने के लिए आए थे, अदरवाइज नहीं आ रहे थे। फिर मेरी और मिस्टर परमार ने मिलके बनाई उड़स, और यहाँ पे देखो मैं इनको बोली थी और ये मुझे थमा के चले गए, बोलते हिला इसको और ये निकल गए चुपके से। देखो कितना एंटी गई है मिस्टर परमार। तो यहाँ पे हमारी उड़स रेडी हो चुकी थी और हमने उड़स खाई रात को 2 बजे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।